Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों, electric resistance and Ohm's law के concept video पाने के लिए join button पर click करें या फिर इस number पर call करें. An electron is revolving in a circular path at the rate of 6 into 10 to the power 6 revolutions per second. Find the equivalent current flowing in the loop. तो पहली बात तो ये समझो कि circular path में अपना electron जा रहा है, तो कोई भी atom हो सकता है. लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक ही electron, तो चलो एक ही को नचा देते हैं. किसका atom है? Hydrogen है, helium है. इससे हमें मतलब नहीं है. आगे कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जहाँ पे hydrogen atom बोल दिया जाएगा. जो logic यहाँ लगेगा वही logic वहां पे भी लगेगा. तो देखो यार, ये जो लिखा हुआ है ये नंबर, दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, बहुत ही तेज है. आप देखो यार कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट. और ये चक्कर तो यार 1 मीटर से काफी छोटा होगा. एक चक्कर का थोड़ी ना मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिस किसी भी सर्कुलर पाथ में, तो 1 मीटर लंबा रास्ता थोड़ा होता है. तो कहने का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन मैं बहुत धीमे कर रहा हूं, बहुत ही तेजी से बार बार इस जगह आ जाएगा. तो आप इसे ये मान सकते हैं, अगर हम लोग 1 सेकंड का वीडियो बनाएं इसका, ठीक है, मतलब इस पे कैमरा लगा दें और देखें कि 1 सेकंड में ये कितने बार इसका चक्कर लगा रहा है, तो 6 × 10⁻⁶ बार आएगा. इसे हम इक्विवेलेंट मान लें कि 1 सेकंड में इस पोजीशन को 6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन ही पार कर रहे हैं, तो भी वही बात है. तो बस हम लोग यहां पे यही लेने वाले हैं कि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के बराबर कर देंगे, ठीक है. तो यहां पे हम लोग 6 × 10⁶ ले लेंगे, ठीक है. 1 सेकंड में एक ही इलेक्ट्रॉन इतने बार चक्कर लगा रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ चले आ रहे हैं, तो भी वही बात है, ठीक है. ये तभी तो उन्होंने फाइंड द करंट नहीं बोला है मेरी तरह, उन लोगों ने बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट करंट. तो इक्विवेलेंट करंट का लॉजिक इसी तरह निकल आएगा. अब पर सेकंड है तो टाइम अपना 1 सेकंड हो गया. करंट हमें कैलकुलेट करना है. क्यू इज इक्वल टू नीति, हमें क्या निकालना है, आई. आई इज इक्वल टू एनी डिवाइडेड बाई 6 × 10⁶, 1.6 × 10⁻¹. बहुत बढ़िया, टाइम तो अपना 1 ही सेकंड है. तो आई हो गया 9.6 × 10⁻³. क्या एम्पियर. तो क्योंकि अकेला ही इलेक्ट्रॉन है तो करंट जो है अपना काफी छोटा आया, ठीक है. तो दिस इज डन नाउ, कॉपी कर लीजिए बढ़िया से. और ऐसा ही एक और सवाल आएगा अभी.